गैस ये प्रगति मैदान जहाँ ट्रेड फेयर लगा हुआ है, इंडिया ट्रेड फेयर, तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ यहाँ का, तो सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ वीडियो, ताकि आप लोग को भी घूमने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर बोर्ड लगा रखा था, हॉल बाई हॉल लिखा हुआ था कि किस हॉल में क्या है क्या नहीं है सब कुछ, जिससे आपको घूमने में आसानी हो जाए थोड़ा सा। तो हम लोग हॉल का नंबर वगैरह देख करके फिर गए थे। तो यहाँ से एंट्री है, तो मतलब हॉल के अंदर का एंट्री है, और यहाँ पे आर्मी लोगों का वो लगाया हुआ है स्टॉल, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा के लिए करवा रहे थे CRF, और इधर आर्मी का था, तो इधर सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड नहीं लगा, तो मैं यहाँ से बोली चलो आगे चलते हैं, क्योंकि देखने वाले लोग सब कुछ देख रहे थे। आप लोग देख रहे हो दोनों तरफ कितना भीड़ है, तो क्राउड तो काफ़ी था ही, वर्किंग डे था फिर भी क्राउड था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो ये हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो मैं सोचे अंदर हॉल का ही दिखाना है, तो मुझे अंदर जाना होगा। फिर मैं ये अंदर से एंट्री की हुई है मेन गेट से। यहाँ कोई चेकिंग नहीं था, चेकिंग जो भी था बाहर साइड का था। तो ये है झारखंड स्टेट का, यहाँ फर्स्ट में था, ये है हमारे बिरसा मुंडा, तो ये पूरा झारखंड वाला है। जैसे आपको पता है कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो ये झारखंड का है पूरा। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कुछ कुछ, तो मैं यहाँ प्राइस पूछ रही थी इन सब चीज़ों का, तो इन्होंने 150 बताया इसका, मैं बता रही थी 150 रेट सही में था, मतलब लेने लायक रेट था, यहाँ पे आप ले सकते थे। तो मुझे यहाँ पे एक झूमर पसंद आया था, तो मुझे यहाँ का ये ज्वेलरी वगैरह पसंद आ रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे झारखंड का कुछ लग नहीं रहा था। रेट वगैरह सबका सही था ऑलमोस्ट, जितना आप देख सकते हो उतना रेट सही था सबका, लेकिन अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जमशेदपुर का था, झारखंड में ही मैं घुसी हुई थी अभी, झारखंड में ही घूम रही थी मैं, जमशेदपुर का ये है ज्वेलरी था, ये बरी था, जो भी था आप देख लो, अच्छा लग रहा है, आप जा सकते हो। हाँ बार्गेनिंग की बात है तो ये बार्गेनिंग कर देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ये बार्गेनिंग अच्छे से कर दे रहे थे, मतलब जितना करना चाहिए उतना कर रहे थे, ये नहीं कि लिमिट से ज़्यादा कर दे रहे थे। मैं भी कुछ जो सामान ली हूँ उसका, उसमें भी बार्गेनिंग उन्होंने किया है, तो भी मैं ली थी। तो ये भी सब, ये सब हाथ से बनाया हुआ था, इनका हैंडवर्क था सारा, इसलिए थोड़ा कॉस्टली दे रहे थे ये लोग, तो मुझे अच्छा लगा। और क्या आप देख लो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप जा सकते हो, आप जाके देख के एक बार देख कर के आओ, घूम के आओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये मैं गया, सॉरी बिहार में घुस गई थी, ये गया का सीन दिखा रहा है यहाँ पे पूरा, इन लोगों ने अपने हाथ से वर्क किया है, देखो आप लोगों को अच्छा लगेगा आई थिंक, मुझे नहीं पता आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, आप लोग देख लो, आप लोग जा सकते हो। बहुत मेहनत कर रहे थे ये लोग भाई, इन लोगों का भी मेहनत लगा है, तो ये अपना सामान तो सर्व करेंगे ही करेंगे। तो ये पटना का ही है, आप देख लो अच्छा लग रहा है सब, ये बोध गया का है बुद्ध भगवान। तो मैं यहाँ से निकल गई थी, सामने आसम था, मणिपुरम था, पौंडीचेरी था, तो मैं पौंडीचेरी में गई थी, मैं यहाँ का ही थोड़ा सा शूट किया। पौंडीचेरी सामने ही था, सबका स्टॉल छोटा छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप देख लेना, और मैं वीडियो को फास्ट कर दी हूँ। सामने ये वॉशिंग मशीन जो सेम मेरे जैसा था, लीटर का फ़र्क था बस। सामने हाँ पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी सामने गणेश भगवान ही लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, बाकी मैं स्टॉल में नहीं घूम रही थी, मैं बाहर बाहर ही घूम रही थी बस, क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था, इसलिए मैं बाहर बाहर ही घूम रही थी, ये लोग अंदर अंदर घूम रहे थे बस। तो जो सामान लेना था बस उसी स्टॉल पे मैं जा रही थी मिजोरम, तो मैं की ली थी शायद गोवा से, हाँ गोवा वाले शॉप से मैं ली थी, गोवा जो लगा रखा था, हरियाणा बिहार, एक अपना बिहार था, एक बिहार बिजनेस था, यहाँ पे सारा लगा था। ये मसाला का जो शॉप था, इस पर मसाला का पैकेट हमको कॉस्टली लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। तो एक पैकेट 70 का बता रहे थे वो, ज्वेलरी वगैरह सब, ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा था, एक चीज़ तो दिखी मैं, ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा था। ये गुजरात है, गुजरात में भी सामान सही सही था, घूमने लायक था। यहाँ पे मैं पूछ रही थी गुजरात का ही था ये भी, तो बहुत कॉस्ट बता रहे थे ये आंटी, अपने स्टेट बता रही थी मैं कहाँ से आई, खूटी करके कोई जगह बताई है ये, हाँ वो इंडिया के लग भी नहीं रही थी मुझे, तो ये चीज़ था। ये दिल्ली में मैं घुसी हूँ, दिल्ली का ये देखिए मैप लगा रखा है इन लोगों ने, तो ये दिल्ली का ही है,
यहाँ पे सत्यमेव जयते का वो थोड़ा सा छोटा सा मूर्ति और सत्यमेव जयते लिखे हुए थे, तो लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा भी रहे थे यहाँ पे लोग। तो ये तिहार जेल, तिहार प्रोडक्ट और तिहार जेल, तिहार मतलब एक स्कूल है, तो उधर का भी आर्ट उन लोगों ने लगा रखा था बच्चों का, तिहार का भी पूरा यहाँ पे दिखा दिया है इन लोगों ने, तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं देखी। यहाँ सोफ़ा वगैरह भी था, तो ये सोफ़ा सिर्फ स्टाफ के लिए था, पब्लिक के लिए नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो यहाँ इनको पंखा पसंद आ गया अंजन को, तो मैं बोली कॉस्ट ज़्यादा बता रहे, छोड़ दो आप। तो 100 का एक फ़ैन बताया है, तो वो ज़्यादा कहता नहीं है, यहाँ 100 बता रहे थे ये। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे अपना, फिर हम लोग को भूख भी लग रहा था, हम बोले चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो देखिए भीड़ भी ज़्यादा था, ये मैं आ गई थी अंडमान में, अंडमान का ज़्यादा सूट नहीं की थी, ये राजस्थान का खाना खा रही थे हम लोग। तो राजस्थान का हम लोग खा रहे थे ये भेलपूरी, भेलपूरी खा रहे थे। यहाँ पे हम लोग तिलकुट ख़रीदने के लिए आए थे, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं वो ख़रीद रही थी गोल गोल छोटा छोटा, ये पैकेट ख़रीद रही थी मैं छोटा छोटा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मुझसे गलती हो गया, इसमें दो फ्लेवर आता है, एक चीनी वाला आता है एक गुड़ वाला आता है, तो मैं गुड़ वाला ले ली थी, तो ये लाइटिंग वाला था। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे ना इस सेक्शन बहुत ही कॉस्टली भी था, ये लाइट जो था लगा रखा था 7,000 8,000 9,000 ऐसे करके बता रहे थे ये लोग, सब 1,000 पे ही था। और छोटे छोटे बॉल जो था वो कम रेट का था, ये इंटरनेशनल है, इंडिया इंटरनेशनल, तो इस वाले हॉल में गई हाय थी मैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई हूँ मैं ट्रेड फेयर घूमने के लिए प्रगति मैदान। तो मैं जितना हो सका मेरे से मैं सूट की हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि बाबू को भी संभालना था मुझे। तो यहाँ पे दो पार्ट में है, एक इंडिया एक साइड इंटरनेशनल है, तो इंडिया इंटरनेशनल दोनों घूम लिए। शॉपिंग ज़्यादा नहीं की क्योंकि प्राइस कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ऊपर नीचे था प्राइस, तो प्राइस समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो कुछ कुछ लिए हूँ तो वो मैं घर जा कर के दिखाऊँ, रिव्यू करूँगी उसका। तो गाइस मैं आप लोग को बैक से थोड़ा सा सूट करके दिखा दी हूँ, तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा। अगर आप घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, और ऐसे वीकेंड पे इसका चार्ज ज़्यादा है और ऐसे एवरीडे इसका चार्ज कुछ अलग है, तो आज बच्चे का भी चार्ज है अलग से। तो हम लोग तीन थे और चिन्नू भी था साथ में मेरा, तो इतना हम लोगों का 120 लगा टिकट। तो आप ये टिकट नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं, यहाँ प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन से नहीं मिलेगा, ये मंडी हाउस से मिला। तो हम लोग ले रहे थे एक्चुअली जहाँ से हम लोग ट्रेवल शुरू किए थे अपना सुभाष नगर से, तो सुभाष नगर से लेने का सोचे थे बट वहाँ नहीं मिला था, ख़त्म हो चुका था टिकट। तो हम लोग मंडी हाउस से लिए टिकट, फिर हम लोग प्रगति मैदान आए हैं। तो गाइस अगर आप घूमना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसे भीड़ तो है बट उतना भी नहीं लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, मतलब जो भीड़ बोलते हैं वो भीड़ मुझे नहीं लगा यहाँ पे। अब प्राइस भी सबका सेम ही था ऑलमोस्ट। तो गाइस चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो अभी देखती हूँ क्या प्लानिंग है। अभी हम लोग घूम चुके हैं और आए थे यहाँ पे हम लोग 1 बजे के समथिंग आए थे, और अभी यहाँ पे 4 बज चुका है। तो चलो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेरे पास दो आंटी बैठी हैं जो फरीदाबाद से आई हैं और मैं दिल्ली NCR से आई हूँ। ये दीदी है, ये आंटी है। हाय। तो आंटी बताएंगी आप लोगों को कैसा लगा। आंटी आंटी आप लोगों को कैसा लगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? वास्तव में बहुत अच्छा फेयर है और यहाँ सभी को आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ अपनी संस्कृति से मिलते हैं हम, और इतना अच्छा लगता है, इतनी भीड़ भाड़ एक जगह देख के भी अच्छा लगता है। जगह जगह से लोग आते हैं, अलग अलग राज्य के हम पेविलियन देखते हैं, हमें खूब मज़ा आता है। तो गाइस आंटी अपना रिव्यू दे चुकी हैं, आंटी को कैसा लगा? सही में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब हमारा झारखंड भी था यहाँ पे, झारखंड और बिहार जो था वो काफ़ी बड़ा साइज में था, बहुत अच्छा था। और बाकी स्टे हमने भागलपुर की साड़ी भी ली है, भागलपुरी साड़ी ने साड़ी भी ली है भागलपुर का। और हम लोग ये इसको बोल पूरे साल शॉपिंग मत करो, एक बार आके ईयर में, पूरे ईयर में आके एक बार शॉपिंग कर लो, वो भी ट्रेड फेयर में। इट विल बी वर्थ वास्तव। तो आंटी ने अपना रिव्यू दे दिया है गाइस, तो आई होप कि आप लोग जरूर आओगे यहाँ पे, तो आना जरूर। और हम
आपको तो पता ही है मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड भी काफ़ी बड़ा में दिखाया है इन लोगों ने, और बिहार भी, अब बाकी स्टेट छोटा छोटा शूट कर रहा है इन्होंने, तो ज़्यादा नहीं किया है। बिहार दिवस भी मना रहे हैं, बिहार दिवस भी मना रहे हैं। हाँ ये सही कहा आंटी ने। तो गाइस आप लोग आना ज़रूर। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ। मैं इंटरनेशनल से बाहर आई थी, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी हो रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर ली थी। ये अपना कार्टून टाइप का कुछ बना रखे थे, अमेजिंग सा हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत लोग अच्छे इंजॉय कर रहे थे। मैं थोड़ा सा शूट की थी और ज़्यादा नहीं देखी थी मैं, क्योंकि मुझे निकलना भी था, अंधेरा भी होने वाला था, तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी होते रहता है वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से फूड कोर्ट चले गए थे कुछ खाने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है फूड कोर्ट में। तो यहाँ पे चीज़ें हर स्टेट का मिलेगा, यहाँ पे आपको बिहार झारखंड सब मिलेगा यहाँ पे। तो हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ वापस घर और बहुत थक भी गई हूँ। इयरिंग भी खोल दी क्योंकि थोड़ा सा पेन हो रहा था मुझे, और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। देखूंगी कल भी जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो उसमें टोटल 10 बिल्डिंग था, तो हम लोगों ने सिर्फ 3 बिल्डिंग ही घुमा है, ज़्यादा नहीं। इंडिया और इंटरनेशनल थोड़ा थोड़ा ही घुमा, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग किया है, तो सोची मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ क्या क्या खरीद के लाई। और हाँ, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग देखना ज़रूर टाइम निकाल करके, ऐसा नहीं है नहीं देखोगे, देखना ज़रूर। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। इंडिया ट्रेड फेयर, तो ये मैं दिल्ली का फर्स्ट टाइम घूमी हूँ। दिल्ली में रहते मुझे 5 साल हो गया, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम घूमी हूँ आज इस बार। वो भी नहीं जाती, ये तो छोटू अंजन आए थे इसलिए मैं चली गई। तो गाइस थक गई हूँ काफ़ी, मेट्रो से गई थी मैं, और टिकट का मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। आप लोग टिकट नज़दीक के किसी भी मेट्रो स्टेशन से ले सकते हैं, लेकिन प्रगति मैदान के मेट्रो स्टेशन से आपको टिकट अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बोल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप चले गए प्रगति मैदान से लिए, वहाँ से सोचे टिकट ले लिए, वो नहीं मिलने वाला है। तो आप कल चले जाना, वीकेंड पे जाओगे, टिकट 120 का पड़ेगा आपको। बच्चे का कितना है अंजन? 60 रुपये पड़ेगा बच्चे का उस दिन वीकेंड पे। और ऐसे आप चले जाओगे वर्किंग डेज पे, तो वर्किंग डेज पे आपको पड़ेगा पर्सन यंग का पड़ेगा आपको 60 रुपये, और बच्चे का पड़ेगा 40 रुपीज़। तो आप इस पे चले जाओ, सही रहेगा, और भीड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्राउड वीकेंड पे ज़्यादा होगा, मैं बता दे रही हूँ। इसलिए हम लोग कल गए थे घूमने, क्या क्या मैं लाइन खरीद की मैं वो भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। थक तो गई हूँ, पैर में पेन भी हो रहा है। तो मैं लाइन ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, रेट सही था, मुझे सही लग रहा था, लेकिन जो चीज़ का क्वालिटी था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, जो भी मुझे समझ में आया वो ली हूँ मैं। हम और अंजन मिल के लिए, अंजन अपने लिए लिए, मैं कुछ अपने लिए ली हूँ। मैं अपने लिए ज़्यादा सामान नहीं ली हूँ, सिर्फ 2 ही सामान ली हूँ। तो क्या क्या लाइव में वो तो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, रेट नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे किसी चीज़ का, ये मैं पब्लिश नहीं करूंगी। रेट बता दूंगी तो फिर आप लोग जाओगे नहीं, इसलिए आप लोग जाना ज़रूर। मैं तो यही बोलूंगी, आप लोग जाना ज़रूर। तो चलो मैं क्या क्या लाइव में वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं ये शुरुआत करती हूँ, ये है चाबी रिंग। तो ये जो चाबी रिंग है ये मैं लाई हूँ, और इस पर मैं नाम लिखवाई हूँ, दिनेश अरवर सा। दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है ना, हाँ उल्टा दिख रहा है कैमरा पे। तो ये मैं बनवा करके लाई हूँ, तो 50 रुपीज़ का ये मुझे पड़ गया है। चलो इसका रेट बता दिया, मैं किसी का रेट नहीं बताऊँगी, ये मैं अपने सामान का रेट बता ही देती हूँ, अंजन के सामान का रेट मैं नहीं बताऊँगी। डार्कनेस लग रहा है, तो ये 50 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, बहुत ही प्यारा। देखो अब नेम के साथ में बनवाई हूँ इस पर, दिनेश और वर्षा। तो मैं इसे लगाऊँगी की में, गाड़ी के की में की लगा दूँगी इसमें मैं, की रिंग अच्छा सा बन जाएगा ये मेरा। ये पेंसिल है जो बाबू के लिए है, बाबू ले नहीं रहा था, उसको लगा पेंसिल नहीं है, पता नहीं क्या, क्योंकि इसमें स्प्रिंग सा लगा हुआ है, आप देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है इस वजह से। तो बट ये भी प्यारा है, ये मुझे दे रहा था वो 30 रुपीज़ का। तो बताती हूँ मैं कितना में दिया, ये मुझे 30 रुपीज़ का दिया है, और साथ में बाबू का ये गाड़ी ली हूँ मैं, ये गाड़ी आप देख लो। तो ये लकड़ी का गाड़ी है, ये पेंसिल तो लकड़ी का होता ही, सबको पता है वुड का है, ये भी वुड का ही है। तो बहुत ही अच्छा से इस पर उन लोगों ने काम कर रखा है, आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं बोली बाबू ले लो ये। लेकिन इसका जो टायर दिया हुआ है वो प्लास्टिक वर्क दे रखा है उन लोगों ने शायद, हाँ ये भी प्लास्टिक वर्क दे रखा, बाकी सब वुड का है। हाँ वॉशरूम में होंगे। तो ये और ये दोनों मिला के मुझे 200 का पड़ा है, ये दोनों 200 का मुझे पड़ा है। और
और मैं अपने ये बैंगल ली हूँ। बैंगल मुझे एक नज़र में पसंद आया है, ऐसा नहीं है अल्लाह का ली हूँ मैं, और मुझे एक नज़र में पसंद आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे एक नज़र में कुछ पसंद आया है। जल्दी से जल्दी मुझे कुछ पसंद आता नहीं है, मैं मार्केट घूम लूँ मुझे कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन पता नहीं कैसे ये पसंद आ गया। ये देखो बैंगल, अब बैंगल आप लोगों को भी शायद पसंद आ जाए। लाह का है ये, इसमें पिकॉक बना हुआ है, दिखा आप लोगों ने। वेट में लाइट ऑन कर देती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है जी, तो ये लाह का है, देखो आप पिकॉक बना हुआ है इस पर, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। वेडिंग टाइप का थोड़ा सा ये लुक आ रहा है इसका। इसमें दो कलर दिया है, एक मैरून है, दो नहीं तीन है, तीन चार है शायद, मैरून है, ग्रीन है, रेड है, पिंक है, रानी कलर आप जो भी बोल लो। तो इस पर ये कलर दिया हुआ है, ये गोल्डन का है, ये रेड में आ रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। तो चलो फिर ये मेरा सामान हो गया सारा, और मैं खाने का सामान ली हूँ, क्या है तिलकुट बोलते हैं उसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तिलकुट ली हूँ, वो भी मुझे 200 का पैकेट पड़ा है, तो 250 ग्राम है। तो मेरा ये सामान हो गया सारा, ये मैं इतना ली हूँ बस। और अब अंजन क्या क्या लिए है मैं वो दिखा रही हूँ। तो अंजन भी की लिए हैं अपनी सिस्टर के लिए, तो उन्होंने उस पर नाम लिखवाया है। अंजन दो लिए थे, ये अंजन लिए हैं, इस पर अंजलि लिखवाए हैं वो छोटू, तो ये इस पर अंजलि लिखवाया है उन्होंने, वो अपनी छोटी सिस्टर को वो गिफ्ट करेंगे। और ये दो की वो अपने स्कूटी के लिए लिए हैं, उनके पास दो स्कूटी है। ये तो कुछ लिए ही नहीं है, घर आते ही सारा हरासमेंट निकल गया, वहाँ पर सो रहे थे ये। और ये भी वो अपने सिस्टर के लिए, किसके लिए लिए मैं नहीं बताऊँगी, ये तो ये भी लिए है ये। सब पहले बोल दीजिएगा, नाम नहीं बता रही ना आप किसकी, समझ जाएगा उसके लिए। चलिए वीडियो में, और ये एक लिए हैं, वो भी झारखंड से लिए हैं, ये देखिए झारखंड में लिए, झारखंड से लिए। और हाँ ये झारखंड वाले स्टेट से लिया हुआ है, झारखंड से लिए थे, झारखंड वाले स्टेट से, क्या बोलो, झारखंड से लिया हुआ है, हाँ वाले झारखंड वाले सोटेन से लिया हुआ है। बताइए देखिए ये, और एक ये भी है, ये भी अंजल लिए हैं, दोनों दोनों बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि ले लेते हम भी तो सही रहता, लेकिन हम लगाएंगे कहाँ, ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है। ऐसा तो ये यहाँ मिलता है दिवाली पे, तो मैं ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक खट्टा मीठा इमली लिए हैं अंजन। तो बस हम लोगों ने इतना ही सामान खरीदा है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे देखा जाए तो आदमी खरीदने के लिए बहुत कुछ खरीद सकता था, बट नहीं, हो गया हम लोग का शॉपिंग। अब कुछ नहीं है, आप लोग भी जाओ अच्छे से इंजॉय करके आओ, अच्छा लगेगा। जो दिल्ली वाले लोग हैं वो जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ट्रेड फेयर। तो टोटल 10 बिल्डिंग है, उसमें 10 में से हम लोगों ने 3 बिल्डिंग घूमा है, और इंडिया इंटरनेशनल दोनों घूम लिए हम लोग। तो इंटरनेशनल में क्या था, दुबई था, फ्रांस था, और बहुत सारे स्टेट था उसमें। तो सब कुछ कॉस्टली, एक ड्रेस पसंद आया मुझे, तो वो मुझे बताया 6,000 के कुछ आसपास बताया, तो उन्होंने डिस्काउंट पे 5,000 लगाया, मैं बोली नहीं लेना मुझे। तो ये चीज़ था, महंगा था बहुत, इंटरनेशनल बहुत महंगा था, इंटरनेशनल महंगा था मैं बोल रही हूँ, इंडिया में महंगा नहीं था कुछ भी ज़्यादा, इंटरनेशनल महंगा था वहाँ पे, तो कॉस्टली तो लगना ही था। तो चलो गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करना। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि ये ट्रेड फेयर से रिलेटेड था, तो आप लोग देखना है ज़रूर। थोड़ा थोड़ा ही बनाई हूँ वीडियो, लेकिन बनाई हूँ लेंदी हो जाता है मेरा इस वजह से। तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें, और मेरे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलो गाइस, मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।